ओके गाइज, आप सभी को स्वागत है इस नए चैनल में। तो गाइज, मैं यहाँ पे जैसन से एक्सेल फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है या एक्सेल से जैसन फाइल कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसका बारे में बताऊंगा। एंड यहाँ से भी बताऊंगा कि इसका काम मतलब कहाँ पे ये यूटिलाइज किया जा सकता है। एक्चुअली एक वीडियो है, वो आप लोग को देखना चाहिए कि जहाँ पे जैसन कैटेगरी का ऊपर मैं बनाया था। ये एक्चुअली मेन वीडियो है जहाँ पे मैंने ऑलरेडी AI फाइल दिया था। यहाँ पे एक अच्छा सा एक AI फाइल जहाँ पे जैसन डाटा से हो रहा है। बहुत लोगों को डाउट ये है कि भाई ये जैसन वाला फाइल को लेके हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सबसे ईजी क्या हो जाता है लोगों को एक्सेल में काम करना। ठीक है, तो आपको सही आप एक्सेल में ही काम करिए एंड उसी को ही कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जैसन फाइल में, इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये वीडियो में अगर हम लोग पता कर पाएंगे, फिर हमारा जो ये जैसन फाइल से हम लोग बना रहे थे कि लिस्ट व्यू वाला एप्स या कुछ भी, अगर आप इमेजिंग एप्स बनाना चाहते हैं जैसन फाइल से ऑटोमेटिक सारे आ रहा था, तो ये चीज़ बनाना बड़ी आसान हो जाएगा, है ना। तो मेन चीज़ क्या है, ये जैसन फाइल क्रिएट करना एंड उसी को कोई भी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो जो मैं ये इस AI फाइल में दिया हूँ, मतलब बताया हूँ कि यहाँ पर केवल जैसन फाइल जैसे इस तरह होता है, तो ऐसा करके करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे क्या करते हैं, एक्सेल फाइल से कैसे कन्वर्ट करेंगे जैसन में एंड जैसन फाइल को भी कैसे हम लोग एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो हिंदी फॉर्मेट है ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इस बात में वीडियो को जरूर लाइक करिए, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी हो नीचे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, ऐसे तो काफ़ी सारे आप लोग को जैसन फाइल कन्वर्टर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोग रिकमेंड करूँगा जैसन CSP या CSVJSON.com। यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग यूटिलाइज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी एक्सेल फाइल को जैसन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये एक्सेल फाइल है इसी को जैसन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आता है CSV to JSON। तो यहाँ पर कर लीजिए क्लिक, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे। तो यहाँ पे CSV to JSON फाइल करना है। सिंपल सा हमारा क्या है ना, ये एक एक्सेल फाइल है जहाँ पे नेम, स्टेट, मोबाइल, ये तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे पुट किया हूँ। तो यहाँ पे नाम भी डाला हूँ हिंदी इंग्लिश में एंड स्टेट वगैरह मोबाइल नंबर डाले हैं। तो बाकी आपका यहाँ पे नीचे के साइड में देखिए तीन सीट दिखा रहा है, इसको राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए, या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो एक ही सीट आपका रह गया। ठीक है, तो अभी आप इसको फाइल में जाइए एंड इसको सेव एज करिए। सेव एज करके आप इसको क्या करिए, डेस्कटॉप में डालिए एंड यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ Book 1। एंड यहाँ पे जो एक्सेल टाइप है फॉर्मेट, यहाँ पे आप लीजिए यहाँ पे CSV:delimited.csv फाइल, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसको कर देते हैं सेव एंड इसको करते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ओके आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम लोग इसको यस कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं ना, क्लोज कर देते हैं एंड इसको नहीं सेव करता हूँ, डोंट सेव करता हूँ एंड अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब देखिए ये Book 1 बोल के एक फाइल हमारा जनरेट हो चुका है। तो अभी आप लोग इसको राइट क्लिक कर सकते हैं एंड ओपन विथ नोटपैड डाल सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ डाटा यहाँ पे मिसिंग है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको कैसे हम लोग वापस ले सकते हैं, जैसे हमारा हिंदी अक्षर नहीं आ रहा है। गाइज, मैं अभी हिंदी वाला अभी वीडियो का लास्ट में बता रहा हूँ। फिलहाल आप लोग कोई भी ऐसे ये CSV फाइल है, मतलब अभी एक्सेल से CSV बन चुका है, तो इसको कैसे कर सकते हैं वो दिखाता हूँ। आप सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करके आप लोग जो कन्वर्टर था यहाँ पर नीचे में क्लियर करिए। यहाँ पर चाहे तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिंपल में पेस्ट कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे नाम, स्टेट, मोबाइल एंड आपका जो डिटेल्स आ गया एंड यहाँ पे ये वाला बटन पे दबाइए, तो ऑटोमेटिक ये जैसन फाइल अपने आप क्रिएट हो जाता है, जो हम लोगों को जरूर पड़ता है। कैसे ना, इस तरह ही जरूर पड़ता है, तो ये अपने आप में काम आ जाता है हमारा कहाँ पे ना, इसी टाइप का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी फिलहाल हम दूसरा तरीका बता रहे हैं कि अगर आपको हिंदी अक्षर ही चाहिए, तो इसी वजह से आपको 2 से 3 तरीका है, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे नोटपैड ओपन कर सकते हैं, नोटपैड ओपन करके आपको जो भी चाहिए, सपोज मुझे चाहिए कौन सा ना, नेम, तो फिर कमा दीजिए, फिर डालिए सिटी, फिर डालिए मोबाइल। ठीक है, एंड उसके बाद में इंटर मारिए, फिर आप टाइप करिए जो भी नाम रहेगा, फिर कमा डालिए, फिर सिटी का जगह अगर मान लीजिए आप डालना चाहते हैं बालेश्वर, या आपका फिर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, फिर से इंटर मारिए, फिर डालिए रमेश, तो उसके बाद में BBS में डाला, कुछ इस तरह मैंने डाल दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने डाल दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग को सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप चाहे एक्सेल यूज़ करिए, चाहे नोटपैड यूज़ करिए, दोनों तरीका से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे सबसे पहले आपका ये कलम हो गया, नेम, सिटी, मोबाइल एंड उसके बाद में कमा कमा दीजिएगा, लास्ट में कमा नहीं देना है एंड इसी को सेव एज करिए।
सेव एज करके आप इसको डेस्कटॉप में जाइए, डेस्कटॉप का फाइल का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए सीटी डाल दिया, एंड यहाँ पे टाइप करिए .csv, ठीक है। एंड उसके बाद में आप जो यहाँ पे जो इनकोडिंग है यहाँ पे कर दीजिए UTF-8, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड अभी इसको कर दीजिए सेव। तो अभी देखिए सीटी नाम से ये डाटा एक सेव हो चुका है। तो आप लोग कुछ ऐसा सेव करके रख सकते हैं, ठीक है, आप लोग ज़रूरत पड़ेगा तो। एंड अभी आप इसको चाहे तो ओपन कर सकते हैं, एक्सेल में दिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि अगर आप लोग हिंदी अक्षर होगा तो वो सपोर्ट नहीं करता एक्सेल वाला, इसलिए मैं आप लोग को बताया। सिंपल सा आप लोग ऐसा करके नोटपैड में ही रखिए, ठीक है। तो आप नोटपैड में रखेंगे तो आप लोग सिंपल सा आप लोग कभी भी कॉपी करिए, एंड जैसे बताया यहाँ पे से सेव एज करके आप लोग ये जो इनकोडिंग वाला है इसको हमेशा रखेंगे। तो कभी भी कोई भी फॉर्मेट में रखिए, चाहे आप .csv फाइल रखिए या टेक्स्ट फाइल में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग नॉर्मली इस तरह रख के आप लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वही फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोडिंग हो जाता है। तो अब देखिए डाउनलोडिंग हो गया, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता रहता होगा, तो यहाँ पर हमेशा वही चीज़ को सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर इस तरह कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है, ये दोबारा बता दिया। तो अभी आप लोग को नॉर्मली ये जो जैसन फाइल है इसको भी आप लोग फायरबेस में भी आप लोग डाल सकते हैं, नॉर्मली आप लोग बढ़िया सा ये भी काम करता है। तो यहाँ पे पता होगा कि आप लोग यहाँ पे फाइल में यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इम्पोर्ट जैसन। तो ऑटोमेटिक वही वाला जो जैसन फाइल हमने डाउनलोड किया था, तो आप लोग इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। देखिए ये इम्पोर्ट हो चुका है, जैसे ये 0 1 2 3 बोल के इस तरह कुछ आ रहा है, जैसे आप लोग का डाटा कुछ इस तरह ही था, ठीक है। तो ये अपना भी इस तरह सेव हो जाता है। आप चाहे तो फायरबेस में भी इस तरह 0 1 2 करके उसका अंदर में टैग डाल के कर सकते हो, नहीं तो जैसे बताया काफ़ी सारे तरीका यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये मेरे हिसाब से आपको सबसे बेस्ट होगा कि आप नोटपैड ओपन करके काम कर लीजिए, तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आपका हिंदी अक्षर है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा इसको। अभी जैसे मैं आप लोग का हिंदी अक्षर टाइप करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे मनोज शंकर यहाँ पे कुछ तो डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेव करना चाहते हैं, कुछ एरर आता है, तो यहाँ पे करिएगा इसको कैंसिल। कैंसिल करके जैसे book1.csv है, एंड यहाँ पे आप लोग UTF-8 कर दीजिए, एंड इसको सेव कर दीजिए, एंड इसको रिप्लेस करिए। देखिए book1 का नाम पे जितना था सारे में, अभी जैसे आप लोग कभी भी इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ओपन विथ नोटपैड, देखिए शंकर वाला आ चुका है। लेकिन जब भी हम लोग उसको एक्सेल में ओपन करते हैं थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, यहाँ पे जो मनोज अभी दिख रहा है लेकिन उसको सेव करने नहीं देता है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा आप लोग को, अगर हिंदी अक्षर है तो फिर से बता रहे हैं, तो आप उसको नोटपैड में काम करिए, सिंपल सा जितना आप लोग कलम चाहिए उतना कमा, एंड उसके बाद में आपका डिटेल्स, ठीक है। एंड अगर आपको सिंपल सा आपको उसके वाले इंग्लिश अक्षर ही है तो आप डायरेक्ट एक्सेल में ओपन करके काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग बढ़िया से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लोग सेव एज करके आप लोग जैसे बताया यहाँ पे csv कमा डिलिमिटेड करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिंदी अक्षर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन सपोर्ट के लिए नोटपैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया होगा। तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, 100% आप लोग को सभी का मतलब क्यूरी सॉल्व हो गया होगा। एंड आप लोग चाहते हैं कि जैसन से csv, तो मतलब जैसन फाइल से भी एक्सेल फाइल ये क्रिएट हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो में इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।